गाइस कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। आज बारी है iPhone 14 Plus वर्सेस iPhone 14 Pro Max। दोनों 6.7 इंच की डिस्प्ले के साथ आते हैं और प्राइसिंग में यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब लोग कंफ्यूज है कि हम लोगों को ज्यादा पैसा डालना चाहिए या फिर कम पैसे में बड़ी स्क्रीन इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है एक अच्छा सा कंपैरिजन करने वाले हैं इन्हीं दोनों फोन्स का। आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। स्टार्ट करते हैं पहली चीज के साथ, वो है फिजिकल कंपैरिजन और यहाँ पे फोन में क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है बाहर से। तो पहली चीज यहाँ पे अगर हम लोग बैक साइड की बात करें तो कलर की अगर मैं बात करूँ तो 14 में जो कलर है वो मुझे लगता है कि बेटर है। यहाँ पे जो ये लाइट ब्लू निकाला है एप्पल ने, वो ऑल टुगेदर जो लास्ट ईयर का आईफोन 13 प्रो मैक्स का कलर था बिल्कुल वैसा, और वहीं पे ये पर्पल थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा। अगर कुछ और अच्छे हम लोगों को लाइट कलर देखने के लिए मिलते जैसे लास्ट ईयर थे और उससे भी लास्ट ईयर था तो हम लोगों को जो है कुछ ज्यादा बेटर फील आती है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेट की तो वेट वाइज दोनों फोन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अराउंड 40 ग्राम्स का आप लोगों को जो है डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। यहीं पे iPhone 14 Pro Max जो है अराउंड 240 ग्राम्स का है और वहीं पे iPhone 14 Plus अराउंड 202-204 ग्राम्स का है। अब क्या है, एक लाइट फोन जो है मेरे को लगता है कि थोड़ा बेटर फील करता है हाथ में, जब आप कवर वगैरह लगाओगे वो और हैवी हो जाएगा। एंड सेम गोज विद 14 Pro Max, कुछ ज्यादा ही हैवी हो जाता है। बैक साइड में आप लोगों को ऑब्वियसली पता है यहाँ पे 12 मेगापिक्सल के दो कैमरा देखने के लिए मिलते हैं 14 प्लस में। वहीं पे 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कैमरा सेंसर्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पे 14 प्रो मैक्स में, और दोनों की लुक जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है बैक साइड से अगर हम लोग कंपैरिजन करें। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग फ्रंट की, तो फ्रंट ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है जब तक आप फोन को ओपन नहीं करोगे। मतलब यहाँ पे डायनेमिक आईलैंड और वहीं पे आप लोगों को एक छोटी नॉच देखने के लिए मिलती है 14 प्लस में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। डिस्प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे जो है आप लोगों को 1 लाख के अंडर देखने के लिए मिलता है और दूसरा 1 लाख के ऊपर का फोन है। तो डिस्प्ले में ऑब्वियसली आप लोगों को जो है डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइसिंग के हिसाब से तो 14 प्लस में आप लोगों को 60Hz की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, वहीं पे यहाँ पे 14 प्रो मैक्स में आप लोगों को जो है 120Hz की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि 120Hz यहाँ पे 14 प्लस में भी होना चाहिए, क्योंकि आप इतने पैसे डाल रहे हो और अगर आपको एक रिफ्रेश रेट अच्छा नहीं मिलेगा यहाँ पे तो ऑब्वियसली इतना महंगा फोन परचेस करने की भी जो है कोई भी आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ही फोन में आप लोगों को जो है सुपर रेटिना एचडीआर डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। दोनों ही फोन आप लोगों को जो है ओएलईडी पैनल देखने के लिए मिलते हैं। आईफोन 14 प्रो मैक्स में आप लोगों को जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, वहीं पे 14 प्लस में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलते। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का क्या फायदा है, तो मैं आपको ऑनेस्टली अपना यहाँ पे ओपिनियन बोलूंगा कि आप लोगों को जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज नहीं करना चाहिए। अराउंड 15% इन टर्म्स ऑफ बैटरी का डिफरेंस आता है जब आप पूरा दिन में अपने फोन को यूज कर रहे हो। मैंने करंटली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को जो है बंद कर रखा है, क्योंकि मेरे को जो है 15% ड्रेन नहीं करना। जब आप बाहर जा रहे हो, शो ऑफ करना है, कुछ भी करना, आप डेफिनेटली जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो। बट से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप लोगों को जो है बैटरी ड्रेन को ज्यादा देखने के लिए मिलता है iPhone 14 Pro Max में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो पिक्सल यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट दोनों फोन के सेम है, 2796x1290 आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं 14 Pro Max में, और वहीं पे 2778x1244 आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं iPhone 14 Plus में। दोनों ही डिस्प्ले जो है टू ट्रोन डिस्प्ले आती है व्हाइट कलर P3 के साथ, दोनों में हैप्टिक टच आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैक्स ब्राइटनेस की, तो iPhone 14 Pro Max में है वो 1600 निट्स इंडोर, और आउटडोर जाती है 2000 निट्स तक। और अगर मैं बात करूं 14 Plus की तो वो जाती है यहाँ पे 1200 निट्स तक। दोनों की डिस्प्ले में आप लोगों को जो है कॉमन सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, वो होने वाला है 120Hz का। आप लोग यहाँ पे जो है देख सकते हो कि कितनी स्मूथली यहाँ पे जो है मेरे 14 Pro Max की डिस्प्ले यहाँ पे जो है वर्क कर रही है, और वहीं पे 14 Plus जब आप कंपैरिजन करोगे साइड बाय साइड थोड़ा सा आप लोगों को जो है लैगी देखने के लिए मिलेगा। डिस्प्ले की तो बात यहीं पे हो गई, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, वो भी जब भी आप एक नया फोन परचेज करो, आप लोग कंपैरिजन वीडियो देख रहे हो, चाहे 14 प्लस लो चाहे 14 प्रो मैक्स लो, आप लोगों को चाहिए डिस्काउंट और कैशबैक। तो कैशबैक के लिए आप लोगों के लिए कैश करो, कैश करो इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक एप्लीकेशन है फंडेड बाय मिस्टर रतन टाटा, और आप लोगों को जो है 1500 प्लस वेबसाइट देखने के लिए मिलती है। जब भी मैं शॉपिंग करता हूँ या फिर आप भी शॉपिंग करते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो है कैश करो यूज करना चाहिए। आप लोगों को अच्छा खासा कैशबैक मिलेगा जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप अमेजोन से परचेज कर रहे हो, आपने कैश करो ओपन करना है, अमेजोन सर्च करना है, ऑरेंज बटन पे क्लिक करना है, वहां पे आपको सर्च करना है अपना फेवरेट आईफोन। फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोई भी फेवरेट आईफोन यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लिया और परचेज करना, और परचेज करने के थोड़े टाइम बाद आपके अकाउंट में आपको कैशबैक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो कि आप सिंपली जो है यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए जो है बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अभी जो है अमेजोन की सेल भी चल रही है जिसपे आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा एक्सिस कार्ड से, और एक्सिस कार्ड में आप लोगों को जो है बहुत अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बैटरी पे। बैटरी आईफोन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ लोग परेशान है कि आईफोन की बैटरी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो मेरे हाथ में ये 14 प्लस है ये है बैटरी किंग। क्यों, मैं आप लोगों को जो अभी बताता हूँ।
पहली चीज, एक कंपैरिजन करने से पहले बैटरी के ऊपर मैं आप लोगों को अपना यहाँ पे जो है रिजल्ट बताया था, जो मैंने खुद टेस्ट किया, क्योंकि अराउंड 24 से 25 घंटे हो गए 14 प्लस को यूज करते करते, तो यहाँ पे बैटरी जो है वो नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल भी ड्रेन नहीं हो रही उस लेवल की। और मेरे को अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 1 डे की कंप्लीट बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल रही है। बाकी हम लोग चलते सीधे एप्पल की वेबसाइट पे कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है एप्पल ने सिंपली मेंशन कर रखा है आप लोगों को, जो वीडियो प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिलता है 14 प्रो मैक्स में वो है 29 आवर्स का, वहीं पे आप लोगों को 14 प्लस में देखने के लिए मिलता है 26 आवर्स का, जो स्ट्रीम टाइम है वो है 25 आवर्स का और 14 प्लस में है 20 आवर्स का, ऑडियो प्लेबैक टाइम है यहाँ पे 95 आवर्स का 14 प्रो मैक्स में और 14 प्लस में यहाँ पे 100 आवर्स का। तो यहाँ पे 100 आवर्स फर्स्ट टाइम है किसी भी आईफोन में, और उसका मेन रीजन यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को जो है 14 प्रो मैक्स में AOD देखने के लिए मिलता है, 14 प्लस में नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की, और परफॉर्मेंस एक्चुअली मेरे लिए था यहाँ पे शॉकिंग। पहले हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे गीगबेंच स्कोर्स की, तो आप लोगों को iPhone 14 प्लस में जो सिंगल कोर स्कोर देखने के लिए मिल रहा है 1737 और वहीं पे iPhone 14 प्रो मैक्स में है 1844। मल्टी कोर स्कोर है यहाँ पे 4646 और यहाँ पे 14 प्रो मैक्स में है 5377। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो पहली बात 14 प्रो मैक्स को यूज करते हुए बहुत टाइम हो गया है, बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर दिया, वहीं पे ये 14 प्लस मैंने कुछ भी डाउनलोड नहीं किया, कुछ भी प्रॉपरली रन नहीं हो रहा, तो मे भी आप लोगों को जो है इतना डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। स्टिल यहाँ पे जो है A15 और A16 बायोनिक चिप का भी डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे जो आप लोगों को लॉजिकल स्कोर देखने के लिए मिल रहा है। मेन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग की, अगर हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट करें 14 प्रो मैक्स वर्सेस 14 प्लस में, सबसे पहले जो मैंने डिफरेंस नोट किया वो था यहाँ पे पावर ऑफ का। अगर मैं अपने फोन का मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ तो 14 प्लस जो है वो पहले पावर ऑफ हो रहा है, मतलब पावर बटन क्लिक करने पे, वहीं पे 14 प्रो मैक्स जो है वहाँ पे वो थोड़ा डिले ले रहा है, तो यहाँ पे जो आप लोगों को ये डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे अगर हम लोग कुछ ऐप्स में रन करें तो यहाँ पे ऐप्स में जो है 14 प्रो मैक्स ईजिली जीतता है, अगर सफारी ओपन कर रहा हूँ तो 14 प्लस जीत रहा है, व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ तब भी 14 प्लस जीत रहा है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को ये कुछ डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ऐप्स यहाँ पे जो है 14 प्लस अच्छी जल्दी ओपन कर रहा है और 14 प्रो मैक्स वहीं पे जो है थोड़ा सा डिले दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो एक प्रॉपर कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों फोन ऑलमोस्ट आप लोगों को सिमिलर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। रीजन क्या है, A15 बड़ी बैटरी एप्पल यहाँ पे जो आपको डाल के दे रहा है 14 प्लस में, प्लस आप लोगों को यहाँ पे जो है 6GB रैम देखने के लिए मिल रही है 14 प्लस में, और वहीं पे आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी जो आप लोगों को 6GB रैम देखने के लिए मिलती है। सिर्फ चिप का डिफरेंस है A15 A16 जो आप लोगों को जो एक स्लाइट इंपैक्ट डाल रही है 14 प्रो मैक्स में, और एक एज मिल रहा है यहाँ पे 14 प्रो मैक्स को, तो ऑब्वियसली 14 प्रो मैक्स मैक्सिमम केसेस में जीतता है, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि 14 प्लस जो यहाँ पे 50,000 रुपये सस्ता है एज कम्पेयर टू आईफोन 14 प्रो मैक्स को, कमाल की परफॉर्मेंस। और अगर मैं बात करूँ गेमिंग वगैरह की तो 14 प्लस बिल्कुल भी पीछे नहीं, आप गेमिंग भी जो है नेक्स्ट लेवल कर सकते हो इसी आईफोन 14 प्लस पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैमरा की, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बैक साइड पे, जहाँ पे आप लोगों को आईफोन 14 प्लस में देखने के लिए मिलते हैं 2 12 मेगापिक्सल के कैमरा, वाइड और अल्ट्रा वाइड, वहीं पे 14 प्रो मैक्स में वाइड अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो, और इसका एक प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का। सबसे पहले आप लोगों के जो है यहाँ पे कुछ कैमरा सैंपल्स हैं हमारे रेयर कैमरा से, और रेयर कैमरा में आप लोगों को जो है ऑब्वियसली डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और एक डिफरेंस है 14 प्लस में, मैंने क्या चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे जो है आपको थोड़ी वार्म फोटोज देखने के लिए मिलती है, सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज है 14 प्लस में, वहीं पे आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है आप लोगों को कूल पिक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे जो है ये फोटोज दोनों जो है मैंने साथ साथ क्लिक करी है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ फ्रंट कैमरा से भी आप लोगों को यहाँ पे जो है 12 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा देखने के लिए मिलता है दोनों ही फोन्स में, और दोनों ही फोन में जो है ऑलमोस्ट सिमिलर फोटोज आ रही है। आईफोन 14 प्रो मैक्स के लेंस यहाँ पे थोड़े से बड़े हैं तो ऑब्वियसली लाइट ज्यादा एंटर कर रही है, तो आप लोगों को एक्सपोजर जो है थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिल रहा है, और इन डेप्थ क्लैरिटी जो है जो फोटो की क्लैरिटी है अगर हम लोग यहाँ पे फोटोज को जूम करें तो वो भी जो है आप लोगों को 14 प्रो मैक्स में अच्छी देखने के लिए मिलती है, बट स्टिल 14 प्लस इज नॉट लेस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्राइसिंग पे, प्राइसिंग आईफोन 14 प्लस की है 90,000, वहीं पे ये है 1,40,000 रुपीज, आप लोगों को जो है 5,000 रुपीज का कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा 14 प्लस पे, तो प्राइसिंग हो जाएगी यहाँ पे 85,000 रुपीज, और आईफोन 14 प्रो मैक्स पे 4,000 रुपीज का HDFC कैशबैक, तो प्राइसिंग हो जाएगी आप लोगों के लिए 1,36,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप लोग जो है GST वगैरह भी क्लेम कर सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए पहले वीडियोस बना रखी हैं, अगर नहीं तो आप लोग जो है इंटरनेशनल परचेज कर सकते हो। ये प्रो सीरीज तो आप लोगों को अराउंड 110 की देखने के लिए मिल जाएगी, 115 की देखने के लिए मिल जाएगी आने वाले टाइम में, अभी तो बहुत ज्यादा रेट्स आई है, बट 14 हो 14 प्लस हो आप लोगों को जो इंडिया से परचेज करना चाहिए। तो ये था कंपैरिजन आप लोगों के लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स और आईफोन 14 प्लस, दोनों द बिग डैडी अपने अपनी रेंज में आते हैं और 6.7 स्क्रीन के साथ आते हैं, तो आप लोगों को कौन सा बेटर लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।